सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। सो आप सभी का प्यार बरकरार रहना चाहिए मेरे चैनल में। पहले मेरे चैनल गेमिंग चैनल था, तो गेम हेम के वीडियोस आते थे, अब ब्लॉग आएंगे। ये मेरा पहला ब्लॉग है, सो ये ब्लॉग पूरा देखना, और ब्लॉग अच्छी लगी तो ब्लॉग को लाइक कर देना, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम आज जा रहे हैं छापरी, रिच्चू का बर्थडे है, तो रिच्चू के बर्थडे में जा रहे हैं हम छापरी, और वहीं रहेंगे हम वन नाइट स्टे छापरी। अभी वैसे हमारा प्लान फिक्स नहीं है हम छापरी जाएंगे कि कहाँ जाएंगे, लेकिन हम अभी निकल चुके हैं घर से और बारिश आ रही थी। तो मिलते हैं वीडियो के आगे और सबका इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। तो ये हमारा अर्शु भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जो करते हो, पारस मेरे चार को भी मिट्टा चू, ये अखिल बोरा, ये सिद्धू बोरा, और ये रिच्चू बोरा, तो की बर्थडे बॉय द स्मार्टेस्ट वन। तो हम छापरी जा रहे हैं गाइस, कैमरा साफ करता हूँ। तो सबसे आगे वहाँ दो लोग टेंट उठा रहे हैं, और एक ने पता नहीं केक उठा रखा है, और एक ने चटाई उठा रखा है, और ये बर्थडे बॉय। और ये महाकाली है, और वो खुतिला है। चलो फिर, तो अभी हम जा रहे हैं छापरी की ओर, और हमारे जो साथी है, अरे भाई छापरी नहीं जा रहे हम, हिकला जा रहे हैं। हिकला जा रहे हैं, स्कैम हो गया था हमारे साथ छापरी जाने का, लेकिन हम छापरी नहीं जाके हिकला जा रहे गाइस। और मतलब हम छापरी जा रहे थे, लेकिन छापरी का ऐसा था कि मतलब छापरी बहुत पास हो रहा था, फिर मज़ा नहीं आ रहा था, तो हम हिकला जा रहे हैं, और हिकला में बहुत मजे आएंगे, क्योंकि हिकला का रास्ता है 2-3 घंटे का रास्ता, 3 या 4 घंटे का रास्ता हिकला में, और छापरी का रास्ता बहुत पास है, और ये नेपाल है, और ये उस साइड इंडिया है, देख सकते हो गाइस, थोड़ा ऊपर कर दे कैमरा, वो इंडिया है गाइस। और यहाँ पीछे हमारे साथी 4-5 लोग दोस्त लोग, तो चल ही रहे हैं हमारा, हम कुछ भी हो जाए, आधी आई तूफान आए, हमारा प्लान है तो है, जाना ही वाला था, तो हम लोग पूछ लिया। और हमारे एज में और बच्चे तो घूमते भी नहीं होंगे ज़्यादा, लॉकडाउन भी चल रहा है, लेकिन हमारा मतलब घर वालों का इतना होता है कि घर वाले दे देते कहीं भी जाने, अच्छे है हमारे घर वाले। और
इतना बंद हो गया। तो गाइस हम पहुंचे बहुत आगे और हमारे उस साइड है राठी फॉल, दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा ना, दिख रहा है रिच्चू? तो उस साइड है हमारे राठी फॉल, थोड़ा बहुत चलना पड़ा हमें ऐसा। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके, अब हम बर्थडे बनाएंगे रिच्चू भाई। बर्थडे ओपी बोलते, इसको खिलाओ रिच्चू को खिलाओ, ऊपर से सीधे भी बोलते अके चाकू से। ए ए इधर इधर, बर्थडे के बाद का सीन, बर्थडे मेरा, ये पकड़ दो बर्थडे मेरा ना, बोलना यार बोल दे ना। तो गाइस हम एकदम क्या लग रहे हैं, हम कमेंट कीजिए गाइस, कमेंट कीजिए गाइस, पकड़ रखा है और भूख रखा है, केक वाला बकचोदी भी आपने देखा ही होगा हमारा एकदम मजेदार। क्या ही बोलूं मैं, केक के साथ हमने स्कैम कर दिया, स्कैम करने वाला भी यही है गाइस, तो कमेंट में लिखो गाइस बकचोदी, तो ऐसे ही होता है स्कैम। गाइज हम फाइनली हिकला गाँव के नीचे वाले होटल में पहुंचने वाले हैं। तो गाइज इतनी खुशी हो रही है, मतलब इसके बाद अब आधा एक घंटे का चलना है बस हो गया, और लगभग हम 5 घंटे से चल रहे हैं गाइज, नहीं 5, अब हम अच्छा अब हम हिकला के होटल में पहुंचने वाले हैं बस, और बहुत फट चुके और धूप दिख रहा है अब हमें, तो पहले पूरा अंधेरे में चल रहे थे हम। तो गाइज अब फ्रंट कैमरे का कैमरा उतना अच्छा नहीं था, तो बैक कैमरा से वीडियो बना रहा है, ये भी पता नहीं कि शकल दिख भी रहा है नहीं दिख रहा, शकल कैसा दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है करके हल्का ऊपर कर, ये हमारे एक हमारे भाई ने हल्का ऊपर कर बोल दिया है।
तो गाइस फाइनली हम हिकला पहुंच चुके थे और देख सकते हो गाइस आप हिकला का पुल मतलब क्या ही ऊंचा था गाइस। और भाई मेरी तो फट के हाथ में आ रखी थी, फर्स्ट बार गया था तो। और भाई भाई अब यार शब्द नहीं है यार, नीचे देखो यार गाइस क्या ही ऊंचा पुल था। हम पहुंचते शाम को गए थे, मैंने वॉइस ओवर बाद में की है क्योंकि वहाँ बोलने का हिम्मत नहीं था, इतना गंदा डर लग रहा था। बोला भी था तो मतलब थोड़ा ऐसा अच्छा नहीं बोला था, थोड़ा अजीब अजीब वर्ड्स थे तो मैंने बाद में वॉइस ओवर किया। और गाइस देख सकते हो भाई क्या ही ऊंचा था, मुझे तो अभी भी देख के भाई भाई वाला फील हो रहा था ना भाई, जो ही ऊंचा बोलता है। और जो ये वीडियो बना रहा था वो भी मैं नहीं था, कोई और वीडियो बना रहा था और मैं आगे पे था। अभी मैं दिखूंगा आपको आगे पे, देख सकते हो गाइस। और भाई पुल का हाइट यार आप होते ना भाई, मतलब जाली भी नहीं लगी थी, आधा अधूरा बन रखा था फिर भी। और वो देख सकते हो गाइस मैं वहाँ मेरा अलग ही चल रहा था गाइस, देखो गाइस मेरा अलग ही था वहाँ। फिर गाइस मज़े आ गए, कुछ भी बोलो ओवरऑल रोल हुआ ही। फाइनली वी वर लाइक मतलब हम पहुंच गए और हम बोल रहे थे कि कैसा लगा जिंदा बच के, ऐसा था मतलब हमारा वो पुल से चल के ना हम पहुंच ही गए अभी तो हम ऐसे ही बोल रहे थे एक दूसरे को कैसा लगा फिर जिंदा बच के। मतलब मरने जैसा हालत हो गया था सबका भाई, जो हार्ट पेशेंट्स होंगे वो तो ना कभी मत जाना भाई ऐसे में, पूरा हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई 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 नहीं तो वही फट गया। चलो आविष्कार कुछ तो बोलो यार तो बताइए। मतलब यार बहुत ऊंचा पुल है, नेपाल का दूसरे नंबर में सबसे हाईएस्ट पुल है, देख सकते हो गाइस नीचे खाई देखो गाइस। और चढ़े तो भाई कुछ भी हो जाएगा गाइस, मैंने एक मिनट का टाइम दे रखा नीचे और वीडियो बनाने के लिए, काम चल रहा था उसमें। और गाइस स्लो वर्ड से आ रहा है, देख सकते एक बार देख सकते फट जाए नीचे दिखा दे रहेगा। सबसे अच्छा बताओ आविष्कार हो जाएगा तेरा, सबसे अच्छा तरीका इसको करने दे बताता हूँ, ऐसा कर देख ऐसा कर हो जाएगा। ए हटना यार आविष्कार, ओ सुबह सड तू भूल जा एक बार मैं होने के नहीं करूंगा मार चुकी है। अच्छा एंगल
ए जीत गया ऐसा नहीं है भाई भाई करता है मां जब ये मारेगा नहीं मारेगा मतलब ये